लीकिंग हार्ट वॉल्व, एक चीज आपको, इज देयर अ सॉल्यूशन? अच्छा मैं उस तरह से आपको जैसे समझ में आएगा उस तरीके से समझाने की कोशिश करूं। आपको मालूम है दिस कैन बी इजीली हैंडल्ड, ये भरोसा नहीं होता बिकॉज योर डॉक्टर हैज सेड कि ये तो वाल्व रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो अभी एलोपैथी के पास में एक ही सोल्यूशन होता है, किडनी खराब है किडनी रिप्लेस कर दो, हार्ट खराब है हार्ट रिप्लेस कर दो, लिवर खराब है लिवर रिप्लेस कर दो, मगर उसके बाद जी ही नहीं पाता इंसान ठीक से। तो ये ऐसा सोल्यूशन क्यों देते हैं? और आप सोचते हैं वो क्या क्या एडवांसमेंट हो गया, नहीं इनके पास सोल्यूशन ही नहीं, तभी ऐसा सोल्यूशन देते ना। एडवांस हुए ही नहीं, हमने काम ही नहीं किया, हमने रिकवरी फैक्टर या डिजीज पे काम ही नहीं किया कुछ, क्योंकि आप थोड़ा फिरंगियों के गुलाम हो ना, वो जैसा बताते आप हाँ में हाँ ही भरते। एक्चुअली मॉडर्न मेडिकल साइंस ने हेल्थ के ऊपर काम ही नहीं किया, नहीं तो उनके पास में किसी भी ऑर्गन को रिजुवनेट करने का तरीका होता। रिप्लेस तो आप तब करते हैं साहब जब आपके पास में कोई चारा नहीं बचता, यानी आप पहले तो ऐसी स्थिति में ला दो लोगों को जहां कोई चारा नहीं बचे, उसके बाद बोलो रिप्लेसमेंट करवा लो, रिप्लेसमेंट में वो सबका उसका घर बार बिक जाएगा, उसके बाद वो जिंदा भी नहीं रहेगा। मतलब ये ठीक नहीं, कम से कम आप तो आंखें, आप लोग आंखें खोलो ना। देखिए कल को आप कुछ भी हो जाता है कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हाँ आपका डॉक्टर लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वो लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सरकार लेगी, WHO लेगा, अमेरिका लेगा, कोई भी नहीं लेगा। तो अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा मगर सबको आपने हक दे रखा है कि कुछ भी करे, तो आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, आपको समझदार बनना पड़ेगा। तो ये जो रिवर्स फ्लो होता है वाल्व से, ये क्यों होता? आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, वो ब्लॉक वो वापस ठीक से लग नहीं पा रहा, वो वाल्व एक तरफ खुलता है उसके बाद ठीक से लगना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ कम हो गया, उसके कब्जे का स्ट्रेंथ कम हो गया, दरवाजा ठीक से नहीं लग रहा। कहां पे प्रॉब्लम है? कहां पे प्रॉब्लम है? दरवाजे का कब्जा जो है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, सिंपल सी बात है ना, वो ढीला हो गया तभी वो दरवाजा नहीं लग रहा। अब क्या वो टाइट हो सकता है? बहुत आसानी से हो सकता है, आप जब मर्जी चाहो अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो। अगर आप कितने भी कमजोर हैं तो क्या आप 10 कदम चल सकते हैं? 3 दिन बाद क्या आप 1 किलोमीटर चल सकते हैं? 10 दिन बाद क्या आप 2 किलोमीटर चल सकते हैं? 1 महीने बाद 5 किलोमीटर चल सकते हैं? आप 2 किलो उठाते हैं वजन, आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्या 5 किलो उठाते हैं उठा पाएंगे 10 दिन बाद? 1 महीने बाद क्या 10 किलो उठा पाएंगे? 2 महीने बाद क्या 20 किलो उठा पाएंगे? आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा ही सकते हैं, ये आपको भी मालूम। तो अगर बाहर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं तो क्या अंदर नहीं बढ़ा सकते होंगे? अंदर तो हमेशा डैमेज चलता रहता है, शरीर को ठीक कर लेता होगा, अपने स्ट्रेंथ को रिकवर करता ही होगा, उसके पास तरीका है उसको रिकवर करने का, आपको सपोर्ट देना। अगर ऑर्गन का स्ट्रेंथ वीक हो गया तो अंदर आपको उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना, मगर अंदर कैसे सपोर्ट, अंदर कैसे सपोर्ट दें? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बना रहा हूं, आप अपने समझ से समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप लोग इंडियंस हैं, पहली बात ये मान के चलिए, यू आर नॉट फ्रॉम वेस्ट, आप फिरंगी नहीं हो, आप इंडियन हो इसीलिए आप समझदार हो। तो आप लोग समझदार हैं तो अपनी समझ से समझिए, अपने हार्ट रेट को बिना शरीर को हिलाए कैसे बढ़ाएंगे? चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, कैसे बढ़ाएंगे बताइए? आप सभी जानते ही हैं कैसे बढ़ाएंगे, मगर आप उस तरफ शायद ध्यान ना दे पाए, मैं आपको दिलवा दूंगा ध्यान। अपने हार्ट रेट को बिना शरीर हिलाए बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? देखो हार्ट रेट को बढ़ाने का मतलब उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर दिया ना हमने। आप एक काम कीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, शरीर नहीं हिलाना, सांस रोक लीजिए, फिर सांस ले लीजिए, फिर सांस रोक लीजिए, सांस रोकते जाइए थोड़ी देर तक, आपके हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो आपने ट्रिगर दे दिया ना हार्ट को, केवल सांस रोक के ट्रिगर दे दिया आपने हार्ट को। ये मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अंदर के ऑर्गन को ट्रिगर दे सकते हैं।
अगर सही तरीके से करेंगे तो हम बहुत आसानी से इसको रिजुवनेट कर सकते हैं। ये कुंभक थेरेपी है, मैं आपको जो बता रहा हूं, केवल सांस को ही रोकने की जरूरत नहीं, सांस को रोकना भी कुंभक है, मगर जिस सपोर्ट से आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है या लंग फंक्शन कर रहा है वो कुंभक मैकेनिज्म कहते हैं। तो वही कुंभक मैकेनिज्म का अगर हम इस्तेमाल करें आपके लंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो आपकी लंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसका रिकवरी फैक्टर बढ़ जाएगा, और ये जो पंचर वंचर है ना वो पंचर भी नहीं होगा ठीक से, करने की कोशिश करोगे तब भी नहीं होगा पंचर, उसके पास इतना रेजिलियंस पावर होता है। तो आपने जो दवाइयों से उसका नुकसान किया, आपने जो बाकी चीजों के साथ में उसका नुकसान किया, उसको रिवर्स नहीं करना क्या? तो पंचर भी ठीक हो सकता है और जो वीकनेसेस आपके नॉट ओनली लंग्स, क्योंकि लंग और हार्ट का फंक्शन प्राइमरी है बाकी ऑर्गन के फंक्शन के लिए, तो ऐसा अगर आप सोचते हैं कि केवल मुझे लंग का इश्यू है या हार्ट का इश्यू है तो आप गलत हैं। आपका लिवर भी ठीक से काम नहीं कर रहा, आपकी किडनी भी ठीक से काम नहीं कर रही है, आपका नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक ऑर्गन हर एक ऑर्गन से जुड़ा होता है, इट्स एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को लेके ही आती है, केवल टाइम का फर्क है। तो आज अगर उसको ठीक करना शुरू करेंगे तो आप पूरे तरीके से रिजुवनेट होना शुरू हो जाएंगे।